walk for them. And I'm so grateful to her. She asked me which is one of my favorite colors. So I told her lavender. So she's created this beautiful lavender ghagra choli for me. So thank you. Thank you. Yeah. I think opportunities तो हमेशा से थी. As far as show की popularity का की बात है, एक show अगर popular हो गया बहुत बड़ी बात है. But अपने तरफ से मैं यही कहूँगी कि हमेशा तो jackpot नहीं लगेगा और हमेशा तो sixer नहीं लगेगा. But आपको ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए. So that's what I do. Yes, at the right time I'll talk about it. Thank you. Do I believe in astrology? No, जो astro. सिर्फ फैशन. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फैशन शो में आए हैं, आप सिर्फ वो क्वेश्चन पूछा, प्लीज मत पूछिए एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन. फैशन शो से संबंधित नहीं पूछिए. प्लीज हाथ जोड़ती हूँ. ओके चल 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 सो मत करिए रिकॉर्ड कर. ओके यस आई थिंक जो आप टेलीविजन एक्ट्रेसेस और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को आप जो देखते हो फैशन करते हुए, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम है फैशन डिज़ाइनर की, हेयर स्टाइलिस्ट की, मेकअप आर्टिस्ट की, स्टाइलिस्ट की. तो सिर्फ हम क्रेडिट ले लेते हैं बट एक्चुअली ये क्रेडिट सबको जाता है. सो आई वुड वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी हुएवर हेल्प मी ड्रेस अप इन माई लाइफ फॉर द कॉम्प्लीमेंट दैट यू आर गिविंग मी. आई थिंक डोंट ट्राई टू फॉलो एनी ट्रेंड समर के लिए. फैशन फॉलो करने के चक्कर में डोंट बी अनकम्फर्टेबल. सो आई थिंक बी कम्फर्टेबल, कैरी योर सेल्फ वेल. आई थिंक दैट इट्सेल्फ इज अ फैशन स्टेटमेंट. आपके फैशन डिजाइनर के बारे में हाँ, दे बोथ आर वेरी वेरी स्पेशल टू मी. एंड बहुत कम टाइम में हमारा अच्छा रिश्ता हो गया है. एंड मैं पसंद करती हूँ कि मेरे लाइफ में कम जन हो लेकिन अच्छे जन हो. मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि मेरे 100 फ्रेंड्स या 100 कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए. सो दे आर इन माई लाइफ बिकॉज आई फील दे आर वेरी नाइस पीपल. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी देयर फॉर सपोर्टिंग देम एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क फॉर देम. थैंक यू. सी अबाउट मी नॉट बींग सीन ऑन द स्क्रीन, ये क्वेश्चन तो प्रोड्यूसर और चैनल को जाना चाहिए बिकॉज दे आर द वंस हु डू द कास्टिंग. सो दिस क्वेश्चन शुड एक्चुअली गो टू देम बिकॉज दे विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर दिस. सॉरी हाँ या या आई थिंक मैं बस अच्छा काम करना चाहती हूँ. अभी कंटेंट जिस तरीके का टीवी पे बन रहा है, यू कैन नॉट गेट ग्रीडी एंड यू नो एक्सपेक्ट एक्सट्रीमली गुड कंटेंट. बट या आई कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट दैट आई वांट टू डू समथिंग डिसेंट. कुछ अगर डिसेंट है मैं अपना 100% देके उसे अपना बेस्ट देके उसे खूबसूरत बना सकूँ. सो आई एम वेटिंग फॉर गेटिंग अ शो और अ कॉन्सेप्ट दैट इज डिसेंट इफ नॉट ग्रेट. द मीडियम डजेंट मैटर एक्चुअली. वेब सीरीज हो, टी वी हो, मूवीज हो या रीजनल फिल्म हो, इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज इट्स. अच्छा बिफोर दिस क्वेश्चन हैज कम, मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी. वेन आई वॉज बॉर्न तो यू नो दूर के जो रिलेटिव होते हैं हॉस्पिटल में ऐसे ही लोग होते हैं, अच्छा लड़की हुई है, ओ लड़की हुई है. माई डैड ही ओपन अ शैम्पेन वेन आई वॉज बॉर्न एंड ही वॉज प्राउड टू हैव अ डॉटर. और नाम पहले ही सोच के रखा था निक नेम की अगर बेटी होगी तो उसका नाम पलक रखूँगा. तो निक नेम पलक है तो जैसे ही आई तो उन्होंने बोला मेरी पलक आ गई है मेरे पास. नहीं, बेटियों को आप बेटियों जैसे रखिए, बेटियों को पूरी आज़ादी दीजिए जो वो करना चाहती हैं, उन पर विश्वास कीजिए. And believe in yourself before you believe in your children. And I say children, not boys or girls, but children, because children, especially daughters, are the future of this country. और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो बेटा होता है वो भाग्य से होता है और जो बेटी होती है वो सौभाग्य से होती है. तो मेरा सौभाग्य है ये. यही कहना चाहूँगी कि यू नो आजकल इतने सारे इंसिडेंसेस सुनने को मिल रहे हैं हमें कि
बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, तो यू नो दे जस्ट लीव देम या ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, केयर नहीं करते अच्छे से, यू नो दे डोंट गेट देम ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल इफ दे आर इल और समथिंग. इतने सारे केसेस सुनने को मिलते हैं. तो मैं यही कहना चाहूँगी, एक मैसेज देना चाहूँगी कि यार आर पेरेंट्स हैव ब्रॉट अस अप सिंस द टाइम यू वर इन लैब. वी डिडंट नो हाउ टू ईट, वी डिडंट नो हाउ टू स्पीक, वी डिडंट नो हाउ टू वॉक. They've taught us everything. उन्होंने हमें दुनियादारी सिखाई है, इतना केयर किया है उन्होंने हमारे लिए. तो हमारी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि when they need us at that stage, हम भी अपना 100% दें. एंड जो उन्होंने हमें अपना लव दिया है, वही लव हम उन्हें वापस दें इन द फॉर्म ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड केयर. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि I'm judging some fashion event and everyone knows कि फैशन के लिए how much I'm passionate and this is actually बाकी contestants के लिए तो छोड़िए, मेरे लिए बहुत बड़ी opportunity है कि इतने बड़े event को और इतने बड़े runway को fashion event को मैं judge करने जा रही हूँ. तो I'm so happy and super excited. Definitely सबसे पहली quality कि नयापन होना चाहिए, और नयापन होने के साथ साथ मैं फैशन को ऐसे देखती हूँ कि फैशन ऐसी हो कि जो हर कोई कर सके. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन के यू नो अपने आप को कैरी कर सके, बट फैशन मेरे लिए वो चीज़ है जो एक आम इंसान से लेके एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी भी उसे एक्सपीरियंस कर सके. बहुत बार हमने देखा है, कई बार मैं बचपन में जब फैशन इवेंट्स देखती थी या फैशन टीवी चैनल जो है उस पर कई बार जो आते थे फैशन शोज़, उसमें कई बार बहुत अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती थी.